प्रशासन से तमाम प्रकार के ऐसे खेल प्रतियोगिताओं का जो है आयोजन कराता ही जाता है। और आपको बता दूं कि आज दिनांक 7 तारीख को यहाँ पर जो है खेल एवं विभाग द्वारा जो है एक ऐसे जो है टैलेंट सर्च की यहाँ प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसको जो है शूटिंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि निशानेबाजी के नाम से। इसमें राइफल की हम बात करें या तो फिर गनर की बात करें, इसके लिए यहाँ विशेष आयोजन कराया जा रहा है। जैसे कि मेरे पीछे आप यहाँ पे संख्या में जो है लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, बालक बैठे हैं, बालिका यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आपको ये बता दें कि राज्य शासन की ओर से नियमता जो है 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों का यहाँ टैलेंट सर्च यहाँ ये प्रतियोगिता जो है रखा गया है। हम यहाँ पर गए, अंदर यहाँ पर प्रवेश है और आइए हम जानते हैं आखिरकार ये बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कितने देर से यहाँ बैठे हुए हैं, और ऐसे इनका सिलेक्शन यानी हम कहीं चयन की बात करें तो इस चयन में जो है ऐसे अभी कौन कौन से प्रोसेस जो है उनके कम्प्लीट हो चुके हैं। और हम आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के यहाँ पर स्टाफ भी काफ़ी सारे यहाँ मौजूद हैं, जो कि बच्चों के संरक्षण करता है, बच्चों के देख रेख में है, उनके टैलेंट की खोज भी की जा रही है। साथ में युवा एवं खेल कल्याण विभाग के यहाँ पे जिला अधिकारी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार आज इसका जो आयोजन किया जा रहा है इसका क्या इसका प्रोसेस है। आइए हम सीधे सबसे पहले मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे स्टाफ बैठे हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे टैलेंट सर्च 2022 का ये जो है आयोजन किया जा रहा है। और आइए हम ये स्टाफ यहाँ पे बैठे हुए हैं काफ़ी सारे, इनसे भी बात करेंगे। और उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि युवा एवं खेल कल्याण विभाग के जो यहाँ पे DSO जो है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये बच्चों के चयन प्रक्रिया का ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होना है और करते हैं DSO सर से पहुँच कर। और आइए हम अंदर करते हैं चंबर में, यहाँ पर DSO सर बैठे हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सर मैं पहले आपको बधाई सर कि इस विभाग की ओर से जो है बच्चों के टैलेंट सर्च की खोज की जा रही है। हम सर बेसिक कुछ चीज़ों को आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे, हम उम्मीद है कि आप सवाल पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर यहाँ 13 वर्ष की 16 वर्ष की आयु हमें जानते हैं सर, लगभग 11 बजे से कोई 12 बजे से कोई शहडोल के अलावा और स्टेशन पर हम बात करें कोई गोपालगंज से है, कोई मिट्टी पानी से, कोई नौरोजाबाद से है, ऐसे में सर इन बच्चों की व्यवस्था जो है यदि यहाँ पे रुकने की बात करें, शौचालय की बात करें या खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं बताई गई हैं? देखिए संचालन खेलों को युवा कल्याण विभाग की तरफ से ये टैलेंट सर जो कि मैंने राइफल चुनने के अंदर शॉर्ट गन और राइफल चुनने के अंदर आपने किया जा रहा है, ये चाहे जो हमारी अकेडमी जो सब भी है राइफल चुनने की अकेडमी है, इसके लिए जिले में एक डेमो बताया जाएगा बच्चों को जिसके अंदर 13 से 16 साल के बच्चे इसमें भाग लेंगे। और डेमो के माध्यम से हम गांव और विकास खंड के बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे जो शहडोल संभाग में है और उसके अंदर जो हमारी राइफल शूटिंग से छुपी हुई प्रतिभा है उस डेमो के माध्यम से कुछ सीखेंगे। और ये हमारा फेज वन है जो संभाग स्तर पर फेज वन ऑर्गेनाइज होगा और उसके बाद फेज टू हमारे ये जो संग्रहालय अकेडमी है भोपाल में उसका फेज टू होगा, जो जिले से संभाग से भी बच्चे चिन्हित होंगे उसका वहाँ पर ये कैंप लगाया जाएगा। और जैसा कि आप टाइमिंग का बता रहे थे तो हमको आधिकारिक टाइमिंग जो दिया था तो हमको 2 दिन से हमको अपने भोपाल में रिपोर्ट करना था। और जैसा कि आपको मालूम कि दिनांक 5 मई से लेकर 17 मई तक के संपूर्ण मध्य प्रदेश के संभाग लेवल पर जिले लेवल पर ये चयन स्पर्धा जो राइफल शूटिंग के वो आयोजित की जा रहा है। और हमारी जो भोपाल की टीम है जो भोपाल के हमारे राइफल शूटिंग के कोच हैं वो सब भोपाल से निकल चुके हैं और कुछ कैंपों का जीता है, इसी कैंप में हार्डली अब 15 से 20 के बच्चों आएंगे और हमारे शहडोल संभाग के बच्चों को भी देखो की प्रक्रिया और कैसे राइफल शूटिंग में क्या क्या सुविधा मिलती है और कैसे हमारे जिले से बच्चे सेलेक्ट होकर
आगे राइफल शूटिंग में भोपाल का नाम और मध्य प्रदेश का नाम और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नाम रोशन करें। जैसा कि आपको मालूम होगा खेल खेलो इंडिया के अंदर हमारे शहरों की बालिका ने मेडल लगाया है, तो शहरों के लिए काफ़ी जिले के लिए सम्मान और बढ़ाई के पात्र भी हैं और ऐसे ही हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हमारे जो छोटे छोटे आने वाले बच्चे आए हुए हैं वो आगे हमारी एकेडमी में प्रवेश करें और इंडिया के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश का नाम चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हो गया एक खेल की प्रक्रिया जिसके बारे में आपने बताया और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से भी एपीआर न्यूज़ की ओर से भी बच्चों को कि हमारे शहरों का नाम ये रोशन करें और बहुत आगे तक मुकाम पे जाएं, स्टेट लेवल से लेकर हम चाहेंगे कि नेशनल लेवल तक जाए। दोस्तों आपके युवा एवं खेल कल्याण विभाग के DSO सर थे जिन्होंने ये सारी जानकारी दी और सबसे एक महत्वपूर्ण जानकारी की मैं यदि बात करूं तो जैसा कि राज्य शासन की बात करें या फिर हम केंद्र शासन की बात करें, लगातार इन बच्चों के या मैं कहूँ खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए तमाम प्रकार के जो खेलों का आयोजन लंबे अर्थ से जारी है, या हम बात करें जिला स्तरीय खेल कूद की बात करें या संभाग स्तरीय राज्य स्तरीय फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता की बात करें, लगातार राज्यों और केंद्र शासन की ओर से खिलाड़ियों की हर प्रकार की व्यवस्था सरकार की ओर से प्रशासन की ओर से कराया जाता है। लेकिन हमें ये जानकारी मिली और ये जानकारी आप तक मैं साझा करना चाहता हूँ कि वाकई में अपने आप में निंदनीय है, क्योंकि मुझे जहाँ तक ये जानकारी लगी कि लगभग 11 बजे कोई बच्चे यहाँ पे 12 बजे अपने टैलेंट सर्च के लिए यहाँ पर मौजूद है और अभी तक जो है किसी भी बच्चे को प्रशासन की ओर से या मैं फिर कहूँ विभाग की ओर से या फिर मैं कहूँ सत्ताधारी व्यक्तियों की ओर से अभी तक किसी भी बच्चे को ना ही नाश्ते का प्रबंध कराया गया और ना ही लंच का प्रबंध कराया गया। हालांकि अपने अपने घरों से जब बच्चे निकले होंगे भोजन करके कोई निकला होगा, कोई नाश्ता कर निकला होगा, लेकिन एक सोचने वाली महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राज्य शासन और केंद्र शासन की ओर से और विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों की ओर से तमाम प्रकार की जब व्यवस्थाएं कराई जाती हैं तो ऐसे में इन बच्चों को ये सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं कराई गई, ये तो फिर जांच का विषय है। हालांकि हमने DSO से ये जानकारी दी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि कोरोना काल संक्रमण के दौरान पिछले 2 सालों से ये व्यवस्थाएं जो है बंद है। हमें उनकी जानकारी अच्छी लगी, उन्होंने हमें बताया कि इस हॉल में जो है मैट की जो व्यवस्था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉलिंग बिछा हुआ है इसकी व्यवस्था जो है नहीं थी और DSO से ये व्यवस्था कराई। हम आपको जो है धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ और ख़ास तौर पर भोपाल में बैठे विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों से और ख़ास तौर पर जिला प्रशासन के और संभागीय प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों से कि खास तौर पे आप ऐसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो मौजूद हैं 5 से 6 घंटे बीत जाने के बावजूद भी सिवाय अपने निजी खान पीन की व्यवस्था के अलावा इन बच्चों को सरकारी संस्थान की ओर से अभी तक कुछ भी जो है खाने पीने की व्यवस्था नहीं कराई गई। दूसरी सबसे निंदनीय बात यह है कि जब यह जानकारी जो है क्योंकि चूँकि अभी रीवा संभाग से अधिकारी जो यहाँ मौजूद होने वाले यहाँ उपस्थित होने वाले हैं, जब पिछले 2 दिन से अखबारों में यह प्रसारण समाचार जब जो है छापा हुआ था ये जानकारी थी कि ये प्रतियोगिता का आयोजन आज होना है, ऐसे में वह अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद नहीं है, यह सोचने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े बड़े अधिकारी की बात करें और संबंधित विभाग के अधिकारियों के स्टाफ की बात करें, ऐसे छोटे छोटे बच्चे 13 साल से लेकर के 16 साल की उम्र के जो बच्चे बैठे हैं, आप जाहिर सी बात समझ सकते हैं कि लगातार या 5 से 6 घंटा बीत जाने के बावजूद भी इन्हें जो है विभागीय अधिकारियों के द्वारा या फिर जिला प्रशासन या फिर संभागीय प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार से कोई भी नाश्ते या खाने का प्रबंध जो है नहीं किया गया है। आइए हम उन बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं आखिर और वास्तविकता क्या है। 11 बजे नाम था कहाँ से आया हुआ शहडोल से हो, कितने बजे आए थे घर से? 11 बजे आए थे, खाना खा कर आए थे घर से, खाना नहीं खाए थे, यहाँ खाना वगैरह मिला आपको, नाश्ता मिला आपको? नहीं मिला, कौन से काम में पढ़ते हो आप? क्यों नहीं आए हैं? देखिए जैसा कि आप स्पष्ट तौर पर आपको ये बालक बता रहा है, 8वीं कक्षा का ये बालक है। हेलो, और 2 मिनट 22 मिनट ना 13 नंबर
गर्मी का सीजन है, भीषण गर्मी का सीजन है। ऐसे में नौनिहाल बच्चों की बात करें, किशोर अवस्था से जूझने वाले बच्चों की बात करें, या फिर युवकों की बात करें, या फिर प्रौढ़ अवस्था वृद्धावस्था लोगों की बात करें, गर्मी का बहरहाल सीजन है। यदि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की छोटी मोटी चीज़ों की अगर व्यवस्था कराई गई होती तो निश्चित तौर पर इनका मनोबल भी बढ़ता, उत्साह भी बढ़ता। ऐसे में बहरहाल यह देखना होगा कि लगातार जो है इनके साथ जो बच्चों के साथ और विभागीय अधिकारियों के साथ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार आखिरकार कब तक होता है। बहरहाल कैमरामैन आशीष के साथ श्याम मानिकपुरी, APR न्यूज़, शहडोल।